हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं नील यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अब हम रीजनिंग से संबंधित बात करें तो हमने रीजनिंग में कथन एवं निष्कर्ष जो चैप्टर था उसके दो पार्ट देखे थे। और मैं बात करूं तो जो सेकंड वाला जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था उसमें मैंने जो पॉजिटिव जो आपके कथन हैं उन पॉजिटिव कथनों के बारे में केवल बातें की थी और आपको कहा था कि आप इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस करोगे तो आपके बढ़िया माइंड में ये चीज सेट हो जाएगी। तो हमने पॉजिटिव जो रिलेशन वाले कथन थे उनसे संबंधित बातें कर ली थी। आज मैं चलता हूं उसके बाद में। देखो है तो वो भी पॉजिटिव ही कथन लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, मतलब सभी और कुछ से रिलेटेड कुछ चेंज वो देखने को हमारे को दे सकता है। अब मैं बात करूं तो देखो आपके पास कथन है, कुछ आर टी है, सभी टी एम है। यहां से बात करें हम निष्कर्ष हैं तो निष्कर्ष की मैं बात करूं तो यहां पे बोल देगा आपको सभी आर एम है, कुछ एम टी है, सभी टी आर है, कुछ एम आर है। ध्यान देना, जिसने भी कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड मैं बात करूं तो जो दो वीडियो हमने बनाए हैं वो जो दो वीडियो जो दो पार्ट हैं वो जिसने भी नहीं देखे थे मैं आपको वो ये बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि आप ये दोनों वीडियोज देख लें। अगर वो दोनों नहीं देखेंगे तो आपको बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे होगी, ठीक है। और जो कथन और निष्कर्ष मैंने पहले भी दो वीडियो में बताया मैं फिर एक बार आपको बताना चाहूंगा, जो दो हमारे ये जो कथन और निष्कर्ष वाला जो चैप्टर है ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछ लेता है, मतलब जो 5 क्वेश्चंस यहाँ पे डाल देता है। तो प्लीज इसके को आप ढंग से पढ़ें ताकि आपको यहाँ पे कोई समस्या ना हो। और मैंने लगभग ऐसी कोशिश की है कि आप मतलब इस तरीके से समझें ताकि आपको यहाँ पे टाइम भी कम वेस्ट हो और आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड अगर 5 क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल रहे हैं तो आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो मैंने टाइम भी बचाने से रिलेटेड यहाँ पे इनको सोल्व करने में थोड़ा सा आपको मदद करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके चलेंगे हम। यहाँ पे लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अब हम चलते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहले आपको 150 का पता होना आवश्यक होता है और मैंने ये भी आपको बताया कि 150 ज्यादा टाइम के लिए आपको नहीं रखना है। जब तक थोड़ी आपकी प्रैक्टिस ढंग से नहीं हो जाती है तब तक आपको ये 150 आपके माइंड में रखना है। जब आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है फिर 150 का रूल खत्म हो जाएगा। फिर आराम से क्या करेंगे, हमने लिखने की आवश्यकता नहीं होगी 150, ये कुछ टाइम तक लिख रहे हैं जब तक हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं हुई है। तो यहाँ पे देखो ये 50 ये 50, जब कुछ होता है आपके पास तो आप सभी को पता है कुछ वाली वैल्यू 50 होती है, पीछे वाली 50 ही होती है। सभी वाली वैल्यू आपकी कितनी होती है 100 होती है और पीछे वाली वैल्यू आपकी कितनी होती है 50 होती है। सेम कथन में होता है और वो सेम ही पार्ट आपका किसमें होता है, निष्कर्ष में होता है। सभी वाला 100 होता है, पीछे वाला 50 होता है, कुछ वाले दोनों ही 50 होते हैं। सभी वाला 100 होता है, पीछे वाला आपका 50 होता है, कुछ वाले दोनों ही आपके 50 होते हैं। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि आपके जो दो कथन दिए गए हैं इन दोनों कथनों के अंदर आपके पास कोई इन दोनों में रिलेशन बनता है कि नहीं बनता है, इन दोनों कथनों के अंदर कोई भाईचारा यहाँ पे बनता है कि नहीं बनता है। तो सबसे पहले जो रिलेशन हम बनाते हैं वो रिलेशन बनाने के लिए हमने दो बातों का ध्यान देना होता है और वो दो बातें आपकी कौन सी होती हैं कि नहीं भी दो कथनों में अगर रिलेशन बनेगा तो सबसे पहले आपके पास उन दोनों कथनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना जरूरी है। अब मैं बात करूं मैं इन दोनों की तो इन दोनों में आपके पास जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर कौन है, आपके पास टी है, क्योंकि ये तो हमारे कथन दो दिए गए थे, इन दोनों कथनों में कॉमन हमने देखा हमारे पास टी निकल के आ गया। दूसरी जो बात होती है यहाँ पे वो क्या होती है, कॉमन होने के साथ साथ आपको किन्हीं दो कथनों में रिलेशन देखना है तो उन दोनों कथनों का योग कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए।
150 से कम में रिलेशन नहीं बनेगा, हो सकता है कई बार 150 से ज्यादा हो जाए, हो सकता है आपके पास वो रिलेशन बन जाता है। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा तो इन दोनों में रिलेशन बना हुआ, रिलेशन की जो दो कंडीशन है दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। आपके पास सबसे पहले दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे टी कॉमन है। सेकंड जो आपका है उसमें इन दोनों का योग 150 बनना चाहिए, बिल्कुल आपका 150 बना हुआ है। अब अगर बात करें रिलेशन बनता है तो क्या बनता है, मैं आपको ये रिपीट करवा रहा हूं, ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी काफी बताया है। रिलेशन बनता है तो आपके पास ये दो जो आपके पास कथन है ये दोनों यहां पे मिलके हमें निष्कर्ष दे सकते हैं। 1% रिलेशन नहीं बनेगा तो ये दोनों मिलके निष्कर्ष नहीं दे पाएंगे। अब आपके पास में देखो आर और एम दोनों अलग अलग कथन में है। रिलेशन का मतलब एक भाईचारा होता है, मैंने बताया आपको जब आपके परिवार में भाईचारा है तो साथ बैठ सकते हैं, लेकिन भाईचारा नहीं है तो वो साथ नहीं बैठेंगे। तो इनमें भाईचारा होगा तो आर और एम दोनों अलग अलग एक परिवार है, दोनों अलग अलग परिवार है। अगर भाईचारा होगा तो दोनों एक साथ बैठते होंगे, दोनों एक साथ आते जाते होंगे, दोनों एक साथ खाते होंगे, तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे चलानी है। आर और एम को हम एक साथ रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा इन निष्कर्ष से रिलेटेड कि आपके पास ये जो दोनों कथन दिए गए हैं इन दोनों कथनों से मिलाकर जो निष्कर्ष दिए गए हैं ये निष्कर्ष आपके सही हैं या फिर गलत है। सबसे पहला है सभी आर एम है। आर और एम की अगर बात करें तो सबसे फर्स्टली हमें जो देखना है वो क्या देखना है कि आर और जो एम है वो आपको कहां पे देखने को मिलते हैं। आर और एम की बात करें तो दोनों अलग अलग कथनों में मिलते हैं। अब सबसे पहले मैटर ये करेगा कि आपके पास आर और एम को हम साथ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले आर और एम को बिल्कुल आसानी से साथ ले सकते हैं, क्योंकि आर और एम की अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों रिलेशन में थे, ये दोनों अलग अलग कथनों में जरूर थे, लेकिन ये साथ आ सकते हैं रिलेशन होने के कारण। अगर रिलेशन नहीं होगा तो ये साथ नहीं होंगे, अगर रिलेशन है तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है साथ करने के लिए। अब देखो साथ आ गए, साथ हैं, सही है। अब दूसरी बात हमें एक और चेक आउट करनी होती है, मैंने बताया पहले भी आपको, अब ये चीज आपके माइंड में चली जानी चाहिए, जो दो वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं वो ये भी जानता होगा मैं क्या लिखने जा रहा हूं, ये चीज आपके माइंड में फिट हो जानी चाहिए। अब अगर कोई कथन आपके पास 100 है निष्कर्ष में जाके 50 बनता है बना सकते हैं, अगर आपके पास कोई कथन में वैल्यू 50 है और निष्कर्ष में जाके 100 बनाना चाहिए तो वो नहीं बनते, ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। अब देखो सभी आर एम है, आर देखो ऊपर 50 था और नीचे कितना है 100 है, आर ऊपर 50 था नीचे 100 है, दोनों साथ तो आ सकते हैं, सही मत कर देना इसको कि ये तो साथ आने से ही सही होता है। आपको इस 150 का चक्कर देखना बहुत जरूरी है। आपके पास आर 50 था, यहाँ पे 100 बन रहा है, अगर 50 से 100 बनाते हैं तो कोई आपका सही नहीं होता, ये आपका बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड, कुछ एम्प्टी है। अब वैसे भी हम एक चीज पहले देखते हैं, एक दो पॉजिटिव कथनों से मैंने 12 आपको निष्कर्ष दिखाए थे, उन 12 निष्कर्षों में हमने यही चीज जानी थी, अगर दो हमारे पास पॉजिटिव कथन होते हैं और दोनों में आपसी रिलेशन बना हुआ होता है तो ये जो कुछ वाले निष्कर्ष हैं वो तो गलत हो ही नहीं सकते, उनको तो देख के टिक मारा सकते हैं हम कि कुछ वाला तो सही होगा ही होगा। दो कंडीशन बताई मैंने, आपके पास दो कथन दोनों पॉजिटिव होने चाहिए और दोनों के बीच में रिलेशन बनना चाहिए। अगर ऐसा आपके पास होता है तो जो कुछ वाले निष्कर्ष होंगे वो तो बगैर देखे ठीक कर देना, वो कभी गलत नहीं होंगे। दोनों 50-50 है, एम और टी दोनों एक ही जगह पे है, मैं बताना चाहता हूं, मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि आप इसको क्लियर तो करके चलें। अब ये नहीं है कि रख लिया ठीक है तो ठीक है, ठीक है फिर भी हम इसको पूरे तरीके से सोल्व आउट करेंगे ताकि आपके माइंड में जो डाउट है इससे रिलेटेड वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। मैं इसको बड़ी आसानी से इसलिए लेके चल रहा हूँ, हम एक दो क्लास यहाँ पे एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, लेकिन इस चैप्टर को क्लियर करना बहुत जरूरी है ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो तुम्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप यहाँ पे देखें, आपके पास जो आपकी एक स्क्रीन होगी कंप्यूटर की, ठीक है, उस स्क्रीन पे जो एलईडी की स्क्रीन आएगी उसको देखें आप और देख के सीधा आप टिक लगा दे कि ये वाला निष्कर्ष सही है और ये वाला गलत है। अगर आप चाहोगे इसको लगातार इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप बड़ी आसानी से इसको कर पाएंगे, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखो इसने कहा सभी टी आर एम है, सॉरी ऊपर वाला हम देख रहे थे, कुछ एम टी है, एम ओ टी दोनों एक ही जगह पे है और एक ही कथन में अगर कोई वैल्यू मिल जाती है निष्कर्ष वाली तो
सॉरी नहीं, तो हमने क्या करना होता है, यहीं से चेकआउट करना होता है, आप ऊपर वाले मतलब दूसरे कथन में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो एमओटी एक जगह पे थी, ये ले एमओटी, अब हमने यहां से देखा एम 50 है, यहां पे भी 50 है, टी यहां पे 100 है और यहां से 50 बना हुआ है, सही करेंगे गलत हो ही नहीं सकता है। आगे इसने कहा सभी टी आर है, अब टी और आर की अगर मैं बात करूंगा तो टी और आर आपके एक ही कथन में है, अब इसी कथन से आपको चेकआउट करना है, आपको दूसरे वाले कथन में नहीं जाना है। ये चीज बहुत बार गलती हो जाती है इससे, तो इस चीज को बड़ी आसानी से समझना, काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमारी ये गलती हो ही हो जाती है कि सभी टी आर है, ये टी 100 है, आर भी 50 बन सकता है, 50 है, ठीक है सही हो गया। लेकिन ये चीज जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, इस चीज पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, क्या कि हमारे पास ये जब दोनों एक ही कथन में है तो हमने इसी से आंसर करके देना है, हमने दूसरे का सारा नहीं लेना है, ठीक है। अब ये देखो टी और आर, अब यहां से देखेंगे हम सबसे पहले टी कितना है 50 और टी यहां पे कितना है 100, 50 से 100 तो बना ही नहीं सकते हैं यार, ये तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अगले बारे में कुछ एम आर है, एम और आर की अगर मैं बात करूंगा तो M और R आपके दोनों अलग अलग थे, मैंने बताया अगर रिलेशन बनता है तो साथ कर लेना, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, M और R अलग थे, रिलेशन बना इसलिए साथ हमने कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये 50 है, 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 ये वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, कहीं दिक्कत वाली बात आपको नहीं नजर आनी चाहिए। अब मैं चलता हूं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा चेंज के साथ, क्वेश्चन आया सभी एम एन है सभी के एम है निष्कर्ष सभी एम के हैं कुछ एम के हैं कुछ एनएम है कुछ के एन है। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे, सबसे पहले हम बात करें, अगर हमारे सामने ये वाला क्वेश्चन हमारे को दिख रहा है तो सबसे पहले हमारे माइंड में 150 आ जाना चाहिए, जो कंटिन्यू 2 से 3 जो अपने जो दो हमारे वीडियो देख चुका है, जो हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस इस चैप्टर पे डाल चुका है, वो 150 पे थोड़ा कम ध्यान दे के इसको सॉल्व कर सकता है, वो आप थोड़ी कोशिश करना कि आप इसको रोक के इसको यूज करके आप अपना जो क्वेश्चन है उसको देख सकें, उसको नोटबुक में नोट कर सकें, उसके बाद इसको सॉल्व कर सकें और यहां से ये जान सके कि वो क्वेश्चन हमने कहां क्या गलती की, ये गलती नहीं होनी चाहिए। कोशिश करो कि 150 आपके नोटबुक में ना डले, ठीक है। मैं तो थोड़ा डाल के इसलिए चलूंगा ताकि आपको थोड़ा सा जो सस्पेंस रहे वो सस्पेंस क्लियर हो जाए, आपका सस्पेंस खत्म हो जाए, ठीक है। अब सभी वाला 100 होता है, पीछे वाला 50 होता है, सभी वाला 100 होता है, पीछे वाला 50 होता है, सभी वाला 100 होता है, पीछे वाला 50 होता है, कुछ वाले दोनों ही 50 होते हैं, कुछ वाले दोनों ही 50 होते हैं, कुछ वाले दोनों ही 50 होते हैं। 150 का रोल हमने खत्म किया, 150 का रोल हमने खत्म किया। इसके बाद मैं बात करूंगा रिलेशन से संबंधित, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस देखे थे उन सब में हमने इस तरीके से देखा था कि रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पे एन है यहाँ पे के, हमने देखा कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उल्टा रिलेशन यहाँ पे बन के निकल गया, ये एम है तो ये भी एम ही है, ठीक है। आपको रिलेशन बनाने के लिए जो कंडीशन मैंने दी थी वो आपको कंडीशन ये दी थी कि आपके पास जो दो कथन होते हैं उन दोनों कथनों में आपको ये चेकआउट करना होता है कि आपके पास जो दो कथन है इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है या नहीं है, तो हमें साफ नजर आया कि इन दोनों कथनों में हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो हमारा एम है, अगर दोनों में कॉमन फैक्टर एम है तो इन दोनों का योग क्या बनना चाहिए था, सेकेंड कंडीशन, दोनों का योग 150 बनना चाहिए, बिल्कुल दोनों का योग 150 भी बन रहा है। अगर ये दो कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हमारे सामने आ जाता है, बिल्कुल क्लियर हमें पता लग जाता है कि रिलेशन बन चुका है, और रिलेशन अगर बनेगा तो आपको ये पता है कि दोनों कथन मिलकर निष्कर्ष देंगे, बस इतना ही जानना है हमें।
अब रिलेशन बन गया, कोई कहीं साथ चला जाए, एनके के साथ है के एन के साथ चला जाए, दो है दोनों कहीं चले जाए, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। हमने केवल इसमें चेकआउट ये करना है, इसने कहीं 50 को 100 ना बना दिया हो, इसने कभी 50 को 100 ना बना दिया हो, बाकी तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब हम चलेंगे सभी एन के हैं, एन और के की बात करें, दोनों अलग अलग थे, साथ हो जाएंगे नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन ये 50 था और यहाँ पे ये 100 बना हुआ है। एन केवल 50 था, ए की जगह पे था, लेकिन एन की वैल्यू 100 आई हुई है, और 50 को अगर 100 बनाते हैं तो हम बिल्कुल रॉन्ग हो जाते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल गलत हो जाती है। सेकंड की मैं बात करूंगा, तो इसने कहा कुछ एन के हैं, एम और के से रिलेटेड अगर बात की जाए तो एम और के आपके कौन से वाले में है, सेकंड वाले कथन में है। अगर सेकंड वाले कथन में आपको दोनों दिख रहे हैं तो आपको यहीं से ही चेकआउट करना है, आपको यहीं से ही देख के बताना है कि निष्कर्ष सही है या गलत है। आप देखना क्या था, ये दोनों 50-50 हैं, यहाँ पे एक 50 है और दूसरा 100 है, अगर 100 से इसके को 50 बनाएं तो क्या बन सकता है, कथन में कोई वैल्यू 100, कथन में वैल्यू 100 है, वो निष्कर्ष में जाके 50 बनती है तो बना सकते हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं। सेकंड की बात करो, कुछ एन एम है, एन और एम की बात करें तो वो एक ही कथन में दोनों के दोनों, आपको यहीं से चेकआउट करना था सही है या गलत है। अब दोनों ही 50-50 हैं, एन 50 है, ये 100 से 50 बन गए, ये भी आपका बिल्कुल राइट होगा। अगली की बात करें, जिसने कहा कुछ के एन है, के और एन की बात करें तो के और एन दोनों डिफरेंट थे, दोनों अलग अलग थे, लेकिन जब अगर रिलेशन बन जाता है आप हम उनको बिल्कुल साथ रख सकते हैं, के एन है, के और एन दोनों साथ साथ आ सकते हैं, ये दोनों ही 50 है, ये वाली वैल्यू भी आपकी सही होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी कुछ समझ आया होगा, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी आरटी हैं, सभी पीआर हैं, कुछ टीएन हैं, कुछ पीआर हैं। ध्यान देना, जो दो कथन हमारे पास थे ये दो कथन हमने देख लिए, सभी आरपी हैं और सभी एनटी हैं। इसके बाद इन दो कथनों से इसने हमें जो बना के दिए वो निष्कर्ष बना के दिए, और जो निष्कर्ष बना के दिए वो हमें कितने बना के दिए, 4 बना के दिए। क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले क्वेश्चन हमें दिख गया कथन निष्कर्ष से रिलेटेड, ये वाला क्वेश्चन अगर हमें दिखाई दे गया तो सबसे फर्स्टली जो हमें काम करना है वो 150 का करना है। मैंने बताया 150 जो लगातार वीडियो देख रहे हैं, जो लगातार इन क्वेश्चंस पे ध्यान दे रहे हैं, वो लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, वो अपना सीधा देख के भी यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकता है। बट यहाँ पे हम बोर्ड पे इसलिए डाल रहे हैं ताकि आपके माइंड में जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो डाउट्स आपके ना बचे, आपको थोड़ा ढंग से ये चीज समझ आ जाए। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो, सभी है तो 100 है, पीछे वाला 50 है, सभी है तो 100 है, पीछे वाला 50 है, सभी है तो 100 है, पीछे वाला 50 है, सभी है तो 100 है, पीछे वाला 50 है, कुछ है तो 50 है, पीछे वाला 50 ही होगा, कुछ है तो 50 है, पीछे वाला आपका 50 होगा। 150 कंप्लीट। क्वेश्चन हमें सामने दिखा, क्वेश्चन को देखते ही सबसे फर्स्टली हमें देखना है कि इस क्वेश्चन में जो दो कथन दिए गए हैं क्या इन दोनों कथनों के बीच में कोई रिलेशन बनता है या फिर रिलेशन नहीं बनता है। देखा, सबसे फर्स्टली जो देखना था हमने इन दोनों कथनों के बीच में कॉमन फैक्टर ढूंढना था, तो हमने देखा इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर हमें देखने को नहीं मिला। इन दोनों के बीच में तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, पी है, आर है, यहाँ पे देखा पी है, एन है, पी है, टी है, आर है, टी है, आर है, एन है, मतलब कॉमन है ही नहीं। अगर कॉमन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, अगर तुम्हें यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखने को नहीं मिला, तो यहाँ पे एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ये जो दो कथन दिए गए हैं इन दोनों कथनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बना है। अगर दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बना, मैंने दो कंडीशंस आपके सामने रखी हैं, अगर दो कथनों के बीच में रिलेशन बनता है तो वो दोनों साथ आ जा सकते हैं, दोनों बिल्कुल साथ निष्कर्ष दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास रिलेशन नहीं बनता है तो आपके जो दो कथन है वो कभी मिलकर निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं। मैंने आपको काफी बार इसमें एग्जाम्पल के रूप में समझाया है,
मैं आपको एक बार फिर एक एग्जांपल देकर समझाना चाह रहा हूं, ताकि आपको यहाँ पे जो डाउट्स हैं उन डाउट्स बिल्कुल भी ना रहे, वो डाउट्स आपके माइंड से आउट हो जाएं। मैंने बताया नॉर्मली दो हैं, दो परिवार हैं, हम दो लोग हैं। अगर हम दोनों के बीच में हमारी बनती है, हम दोनों के बीच में रिलेशन है, तो हम कहीं भी साथ चले जाएंगे, साथ खा लेंगे, साथ बैठ जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। लेकिन हम दो लोग ऐसे हैं, हम दोनों के बीच में बनती नहीं है, हमारे बीच में रिलेशन ही नहीं है। अगर ऐसा होगा तो क्या हम साथ बैठ जाएंगे, साथ खा लेंगे, साथ चल लेंगे? नहीं, वो तो देखने पे हमने दूर, अरे यार वो आ रहा है उससे दूर हो जाओ। रिलेशन बनता है तो साथ हो सकता है, अगर रिलेशन नहीं बनता है तो हम साथ नहीं होते हैं। अब इस क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इन दोनों कथनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनता है। रिलेशन बनने की दो कंडीशन होती हैं, और ये जो फर्स्ट कंडीशन है उस फर्स्ट कंडीशन को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, फर्स्ट कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रहा है, फर्स्ट कंडीशन यहां पे नहीं लग पा रही है। क्योंकि फर्स्ट कंडीशन हमारे पास यही होते रिलेशन बनाने की, अगर आपके पास इन दोनों में कुछ कॉमन है तो ही हम आगे इस योग के बारे में सोचते हैं। लेकिन यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर कॉमन नहीं है तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनता है। रिलेशन नहीं बनता है तो दोनों कथन मिलके निष्कर्ष नहीं देने चाहेंगे, इस चीज को विशेष माइंड में डाल लेना। अब यहां पे अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट इसमें बोला गया निष्कर्ष सभी आर टी है। फर्स्टली हमें चेकआउट यही करना है, आर कहां पे है और टी कहां पे है। आर आपका फर्स्ट में और टी सेकंड में है, दोनों अलग अलग कथनों में है। आर और टी दोनों अलग अलग कथनों में है। अगर दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बनता है, दोनों के बीच में रिलेशन अगर नहीं बनेगा तो आपको यहां पे इनको साथ देखते ही गलत कर देना है कि भाई तुम तो साथ ही नहीं हो सकते, तुम्हारी तो कभी बनती नहीं है, तुम साथ कैसे बैठे हो यहां पे, दूर कर दे इनको, दूर करो इनको, गलत करो। अब यहां पे हमारे पास ये साथ नहीं है, और साथ नहीं है तो हमें कर देना है इसको गलत, कभी ठीक नहीं करना है। रिलेशन बनेगा तो ही साथ रखना है, अगर रिलेशन नहीं बना तो इन दोनों को साथ कभी मत डाल देना, अगर साथ डालोगे तो आप बिल्कुल गलत हो जाते हैं। समझ आई होगी मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको। दो कथनों में रिलेशन बन गया तो वो दोनों आपस में जैसे आर और टी अलग अलग हैं, दोनों यहाँ पे साथ रह सकते हैं। अगर रिलेशन नहीं बनता है तो इन दोनों को यहाँ पे साथ तुम्हें नहीं लेना है, ये आपका बिल्कुल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सेकंड, सभी पी आर हैं। पी और आर की अगर मैं बात करूंगा तो पी और आर आपके पास में जो आपका फर्स्ट कथन है उसी में बैठे हुए हैं। इन दोनों को साथ रहने और ना रहने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी कथन में ही साथ हैं, इसको दूसरे कथन से कोई लेना देना ही नहीं है, इसको रिलेशन से कोई मतलब ही नहीं है। जब आपके पास ये दोनों साथ हैं, जब दोनों अगर एक ही कथन में हैं, तो आपको उसी कथन को देख के यहां पे क्या बनाना है, निष्कर्ष बनाना है। आपको यहां पे ये नहीं करना है कि ये तो गलत हो गया, अगर रिलेशन नहीं बना तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। उस निष्कर्ष निकलेगा कहां से, निकलेगा सिंगल कथन से निकलेगा। अब इसमें बताया सभी आर पी हैं, और यहां पे आपके पास क्या आया, सभी पी आर हैं, तो आर और पी या पी और आर दोनों एक ही जगह पे हैं। अब हमने केवल यहां पे ये चेकआउट करना है कि इसने कहीं गलती से 50 से 100 तो नहीं रखा है, इसने हमें गलत करवाने की कोशिश तो नहीं की है। अब हमने देखा पी और आर के बारे में, पी हमारे पास 50 है, लेकिन पी यहाँ पे 50 से 100 भी बन रहा है भाई, 50 था यहाँ पे और यहाँ पे 100 बना, और 100 बना तो हमने देखते ही गलत करना है, क्योंकि 50 से 100 कभी नहीं बनता है, हमें इस रूल में फॉलो करवाना है इस चीज को। एक रूल है, इस रूल से आउट हम नहीं जा सकते हैं, अगर इस रूल से गलत चले गए तो हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएंगे, आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पे सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो दो तीन रूल हैं ये तो हमें फॉलो करके चलने ही होंगे। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो इसने कहा कुछ टी एन है, टी और एन की बात करें दोनों एक जगह पे, देखना एक बार थोड़ा ध्यान देना, जो सेकंड वाला कथन है इस सेकंड वाले कथन में टी और एन है, और यहां पे भी टी और एन है, इनको तो रिलेशन से मतलब नहीं है, ये तो दोनों एक ही तो कथन में है। अब आपको क्या देखना था, यहां पे भी 50 50, यहां पे भी ये 100 से 50 बन रहा है, चेंज हुआ एक,
कि ये वैल्यू कथन में 100 है n और n जाके नीचे 50 बन रहा है, कथन में 100 और नीचे 50 बने तो बन सकता है, आपके पास ये वाला आपका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। आगे इसने बोला कुछ tr है, t और r की मैं बात करूं दोनों अलग अलग हैं, साथ ही नहीं हो सकते हैं, आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सभी कमरे मकान है, सभी का वाहन है, निष्कर्ष होगा यहां से, यह फर्स्ट कथन है, यह आपका सेकंड कथन है, निष्कर्ष नंबर फर्स्ट होगा सभी कमरे वाहन है, सेकंड होगा सभी कार मकान है, थर्ड होगा सभी वाहन कार है, फोर्थ होगा कुछ मकान कमरे हैं, फिफ्थ होगा कुछ वाहन कमरे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आया हमारे सामने, हमने इसको करने की कोशिश की, यहां पे सभी है तो 100 होगा पीछे वाला 50 होगा, सभी है तो 100 होगा पीछे वाला 50 होगा, सभी है 100 होगा पीछे 50 होगा, सभी 100 पीछे 50, सभी 100 पीछे 50, दोनों कुछ हैं तो दोनों 50 50 होंगे, ये कुछ है तो ये भी दोनों 50 50 होंगे। फर्स्टली हमने इस क्वेश्चन को करना शुरू किया तो सबसे पहले 100 और 50 का रूल हमने देख लिया, खत्म हो चुका है। अब 100 और 50 के बाद हमने देखना इन दोनों के बीच का रिलेशन, मैंने चेकआउट किया, यहाँ पे कुछ भी कॉमन हमें देखने को नहीं मिला, मकान कमरे कार वाहन अलग अलग है, अगर कॉमन फैक्टर यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलता है तो ये चीज क्लियर हो जाती है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनता है। अगर रिलेशन नहीं बनेगा तो तुम्हें पता है ये जो आपके पास में दो निष्कर्ष हैं, ये दोनों आपस में साथ मिलके हमें निष्कर्ष नहीं दे पाएंगे, ये दोनों साथ मिल जाएंगे तो कोई निष्कर्ष यहाँ पे नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हमें यही देखना है, अगर साथ होंगे तो आपका बन सकता है, अगर साथ नहीं होंगे तो यहाँ पे कोई निष्कर्ष यहाँ पे नहीं निकलेगा। अब बात करें मतलब मिलके निष्कर्ष नहीं निकलेगा, बाकी निष्कर्ष तो निकल सकता है सिंगल कथन से। अब यहाँ पे कहा सभी कमरे वाहन है, कमरे और वाहन दोनों अलग अलग कथनों में थे, कमरे और जो वाहन है वो दोनों अलग अलग कथनों में थे, यहाँ पे साथ नहीं आ सकते हैं, ये गलत हो गया। अगर रिलेशन बन जाता तो ये दोनों साथ हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे रिलेशन इनके बीच में नहीं था, अगर रिलेशन नहीं था तो यहाँ पे साथ नहीं होंगे। सेकंड, सभी कार मकान है, कार नीचे मकान ऊपर, दोनों कथन अलग अलग है, यहाँ पे ये दोनों साथ है और साथ है तो आपको देखते ही गलत करना है कि साथ तो होने नहीं चाहिए, अगर रिलेशन बनता तो कर देते, अब तो नहीं करेंगे। अगले वाले में सभी वाहन कार है, वाहन और कार की मैं बात करूं तो दोनों एक ही कथन में है, यहां से बिल्कुल निष्कर्ष निकल के आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि एक ही कथन में जब होंगे तो हमारे निष्कर्ष निकल ही जाएंगे। अब ये वाहन कितने हैं 50 और यहाँ पे वाहन कितने हैं 100, अब 50 से 100 बनाएंगे तो हमें क्या करना है, गलत करना है, क्योंकि ये 50 100 के चक्कर में फंसा, कथन 50 से 100 बनाता है तो वो हमने हमेशा क्या करना है, गलत ही करना है। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो इसने कहा कुछ मकान कमरे है, मकान और कमरे एक ही जगह पे है, एक ही कथन में है, अब दोनों कितने हैं 50 50 हैं, ये मकान आपका 50 यहां 50, कमरे 100 से बनके 50, अब यहां भी तो रिलेशन का कोई मतलब ही नहीं था, ये दो कथन तो थे ही नहीं, ये बात भी आपकी क्या होगी, सही होगी। आगे कुछ वाहन कमरे हैं, वाहन और कमरे दोनों डिफरेंट हैं, वाहन अपने जगह अलग है, कमरे अपनी जगह अलग है, दोनों अलग अलग कथनों में दिए गए, इसलिए ये दोनों आपके क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। वाहन और कमरे साथ इसलिए नहीं हुए, ये आपका निष्कर्ष जो था ये ठीक इसलिए नहीं हुआ कि ये दोनों अपने अलग अलग कथन थे और यहाँ पे दोनों को साथ लिया गया, और साथ तब तक नहीं आएंगे तब तक इन दोनों के बीच में क्या नहीं होगा, रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, और देखते हैं, चलो नेक्स्ट।
कथन आया कुछ टीके हैं सभी के एल हैं, निष्कर्ष है कुछ टी एल हैं, कुछ एल के हैं, सभी के टी हैं, सभी टी एल हैं, ये चार आपके निष्कर्ष हैं। एक बार थोड़ा सा जो दो कथन है इन दोनों कथनों से चार निष्कर्ष निकाले गए हैं, जो इसका स्क्रीन मतलब यूज करके देखना चाहे जो भी इसको देखना चाहता है बिल्कुल आसानी से कर सकता है, देख सकता है। इसके बाद में हम इसको सोल्व आउट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लिया होगा, जो करना चाह रहा होगा उसने कर भी लिया होगा, तो यहां से थोड़ा ध्यान देना। देखो मैं बता रहा हूं इसके बारे में, कुछ आ गया दोनों 50 होंगे, सभी आ गया ये 100 होगा ये 50 होगा, कुछ आ गया दोनों 50 होंगे, कुछ आ गया दोनों 50 होंगे, ये 100 होगा ये 50 होगा, ये 100 होगा ये आपका 50 होगा। आपने जब किया तो यहां पे देखो आपके पास दोनों में रिलेशन बन रहा है, इसके अंदर दोनों के हैं। पहली कंडीशन कंप्लीट यही करनी होती है कि दोनों सेम है या नहीं है, उसके बाद दोनों का योग करने पे आपका कितना बन रहा है, 150 बन रहा है, ठीक है। अब देखो रिलेशन बन गया तो कोई कहीं चला जाएगी, ये चीज मैंने आपको उस क्वेश्चन में देखी थी हमने, रिलेशन नहीं बनता है तो क्या होता है और रिलेशन बन जाता है तो क्या होता है, हमने दोनों चीजें यहाँ पे ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ टी एल है, टी और एल दोनों अलग अलग थे लेकिन यहाँ पे साथ आ सकते हैं, क्यों आ सकते हैं, एक बार जो दो हमने कंफ्यूज थे उनको क्लियर करने के लिए इस क्वेश्चन को डाला है मैंने कि रिलेशन नहीं बनता जो साथ कब आते हैं, नहीं आते हैं, बन जाते हैं तो साथ आते हैं, ये चीज आपकी थोड़ी क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखो कुछ टी एल है, टी और एल की बात करूं तो दोनों कितने हैं, 50-50 है, टी और एल यहाँ पे भी दोनों 50 है। अब बात आती है साथ आ सकते हैं क्या, जब रिलेशन बनेगा आ सकते हैं, आपका सही होगा। कुछ एल के है, एल और के की मैं बात करूं तो दोनों अलग अलग कथन में थे लेकिन दोनों एक ही कथन में थे, अब यहाँ पे एक ही जगह पे है, जब दोनों एक में थे यहाँ पे भी एक में ही है तो आपको बस चेक करना है 100-50, ये 50 ये 50 ये 100 से बन गया 50, सही होगा। अगले में इसने कहा सभी के टी है, अब के और टी की मैं बात करूं तो दोनों एक ही जगह पे है, अब ये के यहाँ पे 50 था यहाँ पे 100 बन रहा है, आपको गलत करना है, आपके माइंड में जो कंफ्यूज है उसको क्लियर कर लेना, ये के यहाँ पे था यहाँ पे 100 भी था, मैंने पहले भी काफी बार बताया जब ये दोनों एक ही जगह पे है तो यहां से ही आपको चेक आउट करना है 100-50, ये भी आपका ठीक होगा, सॉरी गलत होगा, ये गलत क्यों होगा, क्योंकि आपके पास ये के यहाँ पे कितना था 50 था और यहाँ पे 100 बना, गलत होगा। अब अगले वाले की बात करें सभी टी एल है, टी और एल अलग अलग थे साथ आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, टी यहाँ पे 50 था लेकिन यहाँ पे टी कितना बना 100, अगर 50 से 100 बनाता है तो हमें करना है गलत। आई होप रिलेशन बनने और ना बनने से संबंधित जो आपका कंफ्यूज था वो यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अब देखो हम चलते हैं एक और क्वेश्चन उठाते हैं, आपके पास कथन आया सभी एल एम है कुछ एम टी है, निष्कर्ष सभी एल टी हैं, कुछ एम एल हैं, कुछ एल कुछ टी एल हैं, सभी टी एम है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया आपके सामने, सबसे फर्स्टली हमने क्वेश्चन के रिलेशन के बारे में चेक आउट करना है, हमने देखना है कि दोनों के बीच में कुछ कॉमन फैक्टर है या नहीं है, हमने चेक किया सभी वाले को हमने 100 देखा, पीछे वाले को हमने बताया 50 रखना है, कुछ है दोनों ही 50-50 होंगे, सभी है ये 100 ये 50 होगा, कुछ है तो दोनों ही 50 होंगे, ये दोनों ही 50 होंगे, कुछ है यहाँ पे सभी 100 पीछे वाला आपका 50,
थोड़ा सा ध्यान देके हमने इस क्वेश्चन पे चलना है। हमने सबसे फर्स्टली देखना है कि दोनों के बीच में रिलेशन बनता है कि नहीं बनता है। हमने चेकआउट करना शुरू किया, जो रिलेशन बनाते हैं उसपे सबसे फर्स्ट हमारे सामने जो बात रखी जाती है वो क्या रखी जाता है कि इन दोनों कथनों के बीच में रिलेशन बनता है। तो हमने सबसे पहले दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर ढूंढना है और दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर हमने ढूंढा वो हमें मिल गया। जो दो कथन आपके दिए गए थे इन दोनों कथनों के बीच में कॉमन फैक्टर की मैं बात करूं तो ये कंडीशन आपकी कंप्लीट हो जाती है। दोनों के बीच में एम कॉमन है, दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर एम था, अब हमने देखा कि दोनों के बीच में एम है, रिलेशन बन गया। क्योंकि रिलेशन बनाने के लिए दो कंडीशन होती है, ये हमारी पहली कंडीशन कंप्लीट हुई। और पहली कंडीशन क्या थी, दोनों के बीच कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, बिल्कुल दोनों के बीच में कॉमन। फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हुई, अब हमने चलना है इसकी सेकंड कंडीशन पे। और सेकंड कंडीशन आपके सामने ये थी, रिलेशन बनाने के लिए आपके बीच में इन दोनों के बीच जो दो कॉमन फैक्टर आपके बने वो दोनों का योग करने पे आपके पास 150 होना चाहिए। इन दोनों का योग करें तो 150 बनना चाहिए, लेकिन यहां पे जब हमने देखा इन दोनों कथनों के बीच में जब हमने देखा कि इन कॉमन फैक्टर का योग करें तो इन दोनों कॉमन फैक्टर का योग करने पे 50 और 50 100 बना। और रिलेशन बनाने के लिए मैंने बताया था आपका योग कम से कम 150 बनना चाहिए, यहां पे योग 150 नहीं है, यहां पे योग केवल 100 बना। अगर योग 100 बना तो कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई, आपकी जो शर्त थी रिलेशन की वो पूरी नहीं हुई। अगर पूरी नहीं हुई तो ये दोनों कथन आपस में मिलकर निष्कर्ष नहीं देंगे। अगर मिलकर निष्कर्ष नहीं देंगे तो आपको बस यहाँ पे चेकआउट ये करना है, कहीं ये दोनों मिलके तो साथ नहीं आ रहे, या फिर सिंगल कथन से निष्कर्ष पूछेगा तो वो हम दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका रिलेशन नहीं बनता है, थोड़ा ध्यान देना। रिलेशन बनाने के लिए पहली कंडीशन आपकी सही है, दोनों कॉमन होने चाहिए, बिल्कुल है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, दूसरी कंडीशन हमारी ये है जो कॉमन फैक्टर दो होते हैं उन दोनों कॉमन फैक्टर का योग करने पे 150 बनना चाहिए। लेकिन यहां पे हमने दोनों कॉमन फैक्टर को देखा तो उन दोनों का 50 और 50 100 बना, 100 बना तो रिलेशन ही बना। अब देखो सभी एल टी है, एल ऊपर टी नीचे, एल ऊपर टी नीचे, रिलेशन बना होता तो ऊपर नीचे वालों को साथ ले लेते हम यहां पे, रिलेशन बना होता तो ये दोनों परिवार साथ रह सकते थे। लेकिन इनमें रिलेशन नहीं बनेगा तो ये दोनों साथ कभी नहीं रह पाएंगे, आपके पास इन दोनों को गलत कर देना है। सेकेंड, कुछ एम एल है, एम और एल की मैं बात करूं तो एम और एल दोनों एक ही कथन में दिख रहे हैं, तो मुझे कोई एम और एल एक जगह पे है। अगर ये दोनों एक ही जगह पे हैं तो आपको केवल यहीं से देख के इसका आंसर देना है, यहीं से आपको निष्कर्ष निकाल के देना है। अब ये दोनों कितने कितने हैं, देखो एम और एल, ये आपका 50 है, ये 85 ही है, ये एल 100 से 50 बना, 100 से 50 बना सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। अगले वाले में कुछ टी एल है, टी और एल की मैं बात करूं तो फिर वही बात कहानी सामने आ गई, टी और एल दोनों अलग अलग थे। अगर दोनों अलग हैं तो इनको साथ नहीं लेना है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अलग अलग हैं, अगर आपके निष्कर्ष में साथ आते हैं तो साथ आपको कभी नहीं लेना है, इनको गलत कर देना है। सभी टी एम है, टी और एम की मैं बात करूं तो नीचे वाले कथन में दोनों है, देख लो एक ही जगह पे हमें दोनों नजर आ रहे हैं। अगर दोनों एक ही जगह पे तो हमें यहीं से चेकआउट करना था, अब टी यहाँ पे 50 था लेकिन टी को नीचे देखा और यहाँ पे देखा तो टी 100 बन रहा है। अब 50 से 100 बनेगा, कथन 50 है, निष्कर्ष में 100 दिखे वो तो चलने वाली बात नहीं है। अब 50 से अगर 100 बनता है तो ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। समझ आई होगी ये वाली बात, एक क्वेश्चन और करेंगे ध्यान देने पर फिर से। सभी के पी हैं, कुछ एम टी हैं, निष्कर्ष सभी टी के हैं, कुछ पी एन हैं, कुछ पी के हैं, सभी के टी हैं। यहां से हमने देखा सबसे फर्स्टली ये 100 ये 50, ये दोनों ही 50, ये 100 ये 50, ये दोनों कुछ है तो 50, ये दोनों कुछ है दोनों 50, सभी वाला 100 पीछे वाला 50।
फर्स्टली हमने देखना था रिलेशन, रिलेशन देखेंगे दोनों के बीच में, हमने देखा कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, अगर नहीं दिख रहा तो दोनों के बीच में रिलेशन भी नहीं बन रहा। अब इसमें सभी टी के हैं, टी और के दोनों अलग थे, रिलेशन नहीं बना तो साथ नहीं लेना, गलत कर देना, देखते ही ये प्रैक्टिस इतनी करोगे ना उतनी आपके माइंड में सेट होंगी ये चीजें। अब अगले में था कुछ पी एन है, अलग अलग है दोनों पी और एन, साथ नहीं आ सकते, रिलेशन नहीं है, गलत होगा। अगले में कुछ पी के है, पी और के दोनों एक जगह पे थे, यहां पर रिलेशन की आवश्यकता ही आपको नहीं है। अब ये दोनों 50-50 है, ये 50 था, ये 100 से 50 बन गया, इसका मतलब ये वाला आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट पे देखा आपने सभी के टी हैं, अब के और टी की आप बात करो तो फिर वही बात सामने आई, दोनों डिफरेंस था, दोनों के बीच में दोनों अलग अलग थे, अगर दोनों ही अलग अलग हैं तो साथ नहीं होंगे। अब अगर साथ नहीं होंगे के और टी तो इस निष्कर्ष को तुम्हें गलत करना है। तो अगर मैं बात करूं आज, आज हमने दो चीजें यहां पे देख ली हैं, जो आपका कंफ्यूज दो वीडियो में बना हुआ था, जो दो वीडियो हमने कथन निष्कर्ष के पहले देखे थे उनमें आपका थोड़ा सा जो कंफ्यूज होगा, जो आपका सस्पेंस बना हुआ रहा था, वो आज इस वीडियो में मैंने क्लियर किया। मैंने आपको ये बताया जब दो कथनों में रिलेशन बनेगा तो हमें कैसे क्या करना है, और दो में अगर नहीं बनेगा तो हमें किस तरीके से चलना है। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही करूंगा, बट जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वहां पे मैं फिर इन दोनों के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस वाले चैप्टर में कोई भी गलती करें। आपके पास जो 1 से लेके 5 तक जो क्वेश्चंस आए वो 5 के 5 क्वेश्चन आपके ठीक हो, क्योंकि हमारे ये ऐसे चैप्टर है रीजनिंग के जो बिल्कुल आसान होते हैं, और इन आसान चैप्टरों में भी हम नंबर साल नहीं पा पाते हैं, तो आप इनको ढंग से करके ये नंबर हमें पूरे कंप्लीट करने हैं। चाहे मेरे को इस चैप्टर पे 2 वीडियो एक्स्ट्रा बनानी पड़े, चाहे मैं धीरे बनाऊंगा, लेकिन ये मैं आपका क्लियर करके चलूंगा। अब यहाँ पे बात करें तो आप इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, जो भी हमने पढ़ा है इस पे प्रैक्टिस कर लेना किसी भी बुक में चाहे। इसके बाद में अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।